अब इस लैंग्वेज के लिए हम मशीन ड्रॉ करते हैं. तो लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग एट लीस्ट टू लेंथ. ठीक है ना, ये आपकी इस लैंग्वेज में वो सभी स्ट्रिंग्स होगी जिसमें एटलीस्ट टू लेंथ की स्ट्रिंग. से हमेशा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी वो या तो ए हो सकती है, बी बी हो सकती है, ए बी हो सकती है, या फिर बी ए हो सकती है. इसी तरीके से फिर थ्री थ्री लेंथ की स्ट्रिंग्स आएंगी, फिर इसमें फोर फोर लेंथ की स्ट्रिंग्स आएगी. सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एटलीस्ट टू सिंबल. ठीक है ना, अब इसके लिए मशीन ड्रॉ करते हैं. तो देखिए, ये मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग स्टेट है. अब स्टार्टिंग स्टेट के बाद आपको ए बी मिल सकता है या फिर आपको बी बी मिल सकता है. अब यहाँ पर भी आपको ए बी मिल सकता है और बी बी मिल सकता है. अब देखिए, इस स्टेट पर पहुँचने के क्या मतलब, इस स्टेट पर पहुँचने का मतलब है कि आपके स्ट्रिंग में टू सिंबल्स आ चुके हैं या आपकी स्ट्रिंग की लेंथ टू हो चुकी है इस स्टेट पर आने के बाद. और आपका कंडीशन क्या है, एटलीस्ट टू. इसका मतलब आप इस स्टेट को फाइनल कर देंगे. और इसके बाद अगर मान लीजिए और सिंबल्स आपको मिलते हैं तो आपकी कंडीशन तो सेटिस्फाई रहेगी, तो आप ए और बी के लिए यहाँ पर सेल्फ लूप क्रिएट कर देंगे. ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन है एटलीस्ट टू लेंथ स्ट्रिंग. तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, टू लेंथ की स्ट्रिंग आपको मिल चुकी है. अब मान लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ मान लीजिए आपकी थ्री है, तो आप वन टाइम लूप में चले जाएंगे. अगर स्ट्रिंग की लेंथ फोर है तो आप टू टाइम यहां पर लूप में चले जाएंगे. तो आपकी ये कंडीशन को वायलेट नहीं करेगा, तो यहां पर हम इसके लिए सेल्फ लूप क्रिएट कर देंगे. ठीक है ना, अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ये देखिए, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्लोजर. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस रेगुलर लैंग्वेज के लिए. एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्लोजर डॉट ए प्लस बी. या इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी क्लोजर डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी. या इसको हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी एस्ट्रिक. ठीक है ना, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए ए प्लस बी बी प्लस ए बी प्लस बी ए ए प्लस बी एस्ट्रिक. तो इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं. अब देखिए, इस लैंग्वेज के लिए इस मशीन को देखिए, ये जो मशीन हमने बनाया है इस लैंग्वेज के लिए, ये एक डीएफए भी है और एक एनएफए भी है. ठीक है ना, इस सेम लैंग्वेज के लिए हम और एनएफए भी बना सकते हैं. जैसे कि इस सेम लैंग्वेज के लिए मैं एक और एनएफए बना रहा हूँ, ए कोमा बी ए बी ए बी. ये एक एनएफए है इस सेम लैंग्वेज के लिए. ये इसके लिए इसकी लैंग्वेज भी है एटलीस्ट टू लेंथ स्ट्रिंग. क्या है, ये आपका एनएफए तो है, ये आपका एक एनएफए तो है, लेकिन ये आपका डीएफए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका चॉइसेस है. इस स्टेट पर आपके पास चॉइसेस है. एक और एनएफए हम बना रहे हैं, ए बी ए कोमा बी ए बी. ठीक है ना, ये एनएफए है इस लैंग्वेज के लिए. ठीक है ना, ये भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक एनएफए तो होगा लेकिन डीएफए नहीं होगा. और ये जो फाइनल टोटोपटा है, ये आपका एक डीएफए भी है और एक एनएफए भी है. अब एग्जांपल लेते हैं, एटलीस्ट थ्री लेंथ स्ट्रिंग, सेट ऑफ ऑल एटलीस्ट थ्री लेंथ, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग एटलीस्ट थ्री सिंबल. ठीक है ना, तो इसको देखते हैं हम. तो इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगा ए प्लस बी क्यूब ए प्लस बी एस्ट्रिक. और इसके लिए जो मशीन हो जाएगी वो मशीन हो जाएगी ए बी ए बी ए बी. देखिए, इस वाले स्टेट पर पहुंचने का क्या मतलब, इस वाले स्टेट पर पहुंचने का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में थ्री सिंबल आ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सेल्फ लूप क्रिएट कर देंगे ए और बी के लिए, और इस स्टेट को हम फाइनल कर देंगे. तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये फाइनल ऑटोमेटा जो आप देख रहे हैं, ये एक डीएफए भी है और एक एनएफए भी है. तो ये मशीन किसके लिए, लैंग्वेज क्या है इस मशीन की, इस मशीन की लैंग्वेज है एटलीस्ट थ्री लेंथ स्ट्रिंग्स. ठीक है ना, अगर इस मशीन का मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं, अगर मैं इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट ले लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एट मोस्ट टू लेंथ स्ट्रिंग्स.